करके किसी भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को बुला सकता है और अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो लेविनिया चाहती थी कि स्टोरी राइटिंग उसके लिए इजी हो जाए, तभी वो उसके लिए विशा बोर्ड लाई। तो राइटर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, जॉन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो चाहता है कि वो विशा बोर्ड वापस कर दे, बट लेविनिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो विशा बोर्ड वापस नहीं करती। तो राइटर सोचता है कि चलो ठीक है, मैं बाद में बात कर लूँगा, अभी लेविनिया नहीं मानेगी। नेक्स्ट डे राइटर एज यूजुअल ऑफिस जाता है, अपने काम पर जाता है। ही वर्क्स एज एन अकाउंटेंट इन अ ल्यूम्बर कंपनी, वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है। ऑल्दो उसका जो बॉस है जेनकिन उसे स्टोरी राइटिंग के लिए कहता है, लेकिन जो जॉन है वो अपना सारा टाइम स्टोरी राइटिंग में नहीं दे सकता क्योंकि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सो ही हैज टू वर्क, जो उसका काम है उसे अपना अकाउंटिंग का काम खत्म करना पड़ेगा ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब वो ऑफिस से वापस घर आता है तो उनके घर की जो कुक होती है ग्लिडोलिया, वो जो मेड होती है वो जॉन को बताती है कि वो तैयार हो जाए और फटाफट से डाइनिंग रूम में नीचे आ जाए क्योंकि उसकी वाइफ ने काफी सारे गेस्ट को इन्वाइट किया है, घर में एक पार्टी हो रही है। तो जॉन जब तैयार होकर नीचे आता है वो देखता है कि उनका जो रूम है वो वुमेन से भरा हुआ है और वो सारी वुमेन उसकी वाइफ की बुक्स क्लब की मेंबर है और वहाँ पे एक पार्टी हो रही थी और सभी विशा बोर्ड लाए हुए थे, वहाँ पे एक विशा बोर्ड पार्टी हो रही थी। तो हर कोई पेयर में बैठा हुआ था एंड इमीडिएटली लेविनिया वहाँ पे आ जाती है एंड वो जॉन को कहती है कि वो चाहती है कि वो मिसेस हिंकल का पार्टनर बन जाए विशा बोर्ड के लिए क्योंकि मिसेस हिंकल की पार्टनर आज नहीं आई। मोर ओवर लेविनिया कहती है कि हिंकल को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है विशा बोर्ड का, तो वो चाहती है कि वो विशा बोर्ड यूज़ करना सिखा दे। तो ये बात जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बट वो अपनी वाइफ की बात को टाल नहीं सकता था इसलिए वो हिंकल के साथ बैठ गया। एंड मिस हिंकल जो थी वो काफ़ी फ्लर्टेशियस थी बाई नेचर, तो वो राइटर्स की फिंगर पकड़ के विशा बोर्ड पे मूव करने लग जाती है एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पे एक स्पिरिट आ जाती है विशा बोर्ड के वहाँ पर एंड वो जो ट्रायंगल होता है विशा बोर्ड पे वो मूव करने लग जाता है और जो वर्ड्स बनते हैं वो होता है ट्रेटर एंड ट्रेटर मीन्स चीटर या फिर धोखेबाज। तो ये जो स्पिरिट होती है ये हेलेन की स्पिरिट होती है जो कि विशा बोर्ड पे आती है, ऑलमोस्ट हर विशा बोर्ड पे आती है और वहाँ आकर ट्रेटर बोलती है। और वो जो स्पिरिट होती है वो हेलेन की स्पिरिट होती है और वो ये भी बताती है कि ट्रेटर जॉन हेलॉक है। तो मिसेस हिंकल ये चीज़ क्लेरिफाई करना चाहती थी कि ट्रेटर कौन है, क्या लॉरा हिंकल ट्रेटर है या फिर हेलॉक ट्रेटर है। तो विशा बोर्ड दोबारा से मिस्टर हेलॉक का नाम स्पेल करता है और क्लेरिफाई हो जाता है कि ट्रेटर मिस्टर हेलॉक है। एंड फाइनली विशा बोर्ड के थ्रू हमें ये भी पता लग जाता है कि जो स्पिरिट है उसका नाम हेलेन है, तो वो हेलेन गोस थी जिसने कि जॉन को मना किया था विशा बोर्ड यूज़ करने के लिए। एंड अब क्योंकि जॉन खुद ही विशा बोर्ड यूज़ कर रहा था पार्टी में तो हेलेन को गुस्सा आ गया और वो विशा बोर्ड पे आकर सबको बता देती है कि जॉन एक ट्रेटर है, वो एक चीटर है। तो ये बात सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, पूरे रूम में सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जहाँ पे जॉन हेलॉक और लॉरा हिंकल बैठे होते हैं सब लोग उनके टेबल पे आ जाते हैं एंड एक्यूजिंगली राइटर को देखने लग जाते हैं। एक्यूजिंगली मतलब वो शक की निगाहों से राइटर को देखते हैं, उन्हें लगता है कि हेलेन मे बी